हेलो एवरीबॉडी, जो हम आगे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, हमारे सामने पहला वर्ड पढ़ रहे हैं। मान लो कि लड़का ये मेडल जीत गया। मेडल जीतने के तो जीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायम्फ या विक्ट्री, दोनों का मतलब क्या होता है? जीत। नेक्स्ट हमारा वर्ड पढ़ रहे हैं हम स्लैकन। स्लैकन वर्ड को हम लैक से याद कर सकते हैं। लैक, लैक का मतलब कमी। लैक का क्या मतलब है? कमी। कम करने को, लेसन करने को स्लैकन करना बोलते हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड है लिक्विडेट। इसके लिए हमने एक बीकर में लिक्विड रखा हुआ है। मान लो नीचे से आग लगी हुई है, लिक्विड उबल रहा है। जब इसी सारा लिक्विड उबल जाएगा, लिक्विड खत्म हो जाएगा। लिक्विडेट का मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाने को बोलते हैं लिक्विडेट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मियोट्रिशियस। इसके लिए हम मेरिट वर्ड कर सकते हैं। आजकल नॉलेज चाहिए, मेरिट से कुछ नहीं होगा। मेरिट लाने का कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यू की नहीं होती, जिनका सिर्फ नाम मात्र है, वो होती है मियोट्रिशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉक्स। हॉक्स को हम फॉक्स से समझ सकते हैं। फॉक्स का मतलब लोमड़ी। लोमड़ी शिकार को करने के लिए बहुत तरह के धोखे देती है, चीटिंग करती है। हॉक्स का मतलब चीट करना होता है। ऐसी ड्यूप, ड्यूप वर्ड को हम डुप्लीकेट से रखेंगे। डुप्लीकेट का मतलब नकली। मान लो किसी की जॉब अप्लाई किया किसी ने, और वो अपनी जॉब में नकली डॉक्यूमेंट्स दे देता है, यानी कि वो धोखा दे रहा है, तो डुप्लीकेट से ड्यूप याद रखेंगे। ड्यूप का मतलब धोखा देना। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा ट्रायम्फ एंड विक्ट्री का मतलब जीत। नेक्स्ट स्लैकन को हम लैक से याद किया, कम करना। लिक्विडेट का मतलब खत्म हो जाना। मियोट्रिशियस जो केवल नाम का हो, मेरिट लेना आजकल नाम के बराबर सिर्फ किसी का कोई फायदा नहीं है। हॉक्स का मतलब धोखा देना, फॉक्स धोखा देती है। ड्यूप को डुप्लीकेट से, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, धोखा देने को ड्यूप करना बोलते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।